भाई राइट राइट सर दिस साइड सर कैमरा लुक मुन्ना भाई मुन्ना सर इधर भाई यहां पर रुको तो एक मिनट भाई मुन्ना भाई इधर भाई लास्ट तक यहां पर चलो बैठ करते हैं हां एक मिनट हां तो घर वालों ने एक पार्टी रखी थी और मैं बहुत मैं ऐसी इस तरह की पार्टी का मैं पार्टीज नहीं करता हूँ मैं पार्टीज बहुत लाइफ में बहुत कम गया हूँ और जो एक पार्टी थी जो हमने करी थी और लॉकअप से आने के बाद नेक्स्ट डे और उसके बाद ये दूसरी पार्टी है जो मैं अटेंड कर रहा हूँ तो मज़ा इस पार्टी के बारे में ये था कि इसमें मेरे सब पुराने पुराने लोग थे जो मुंबई में 15 साल पुराने दोस्त थे जो नल बाज़ार में जब मैं बर्तन की दुकान में काम करता था तो वो वाले दोस्तों को मैंने बुलाया था और हम लोग अभी भी टच में हम लोग मिलते रहते हैं हम लोग मैं लॉकअप जाने से 2 दिन पहले उन सब से मिला था और जब मैं डोंगरी पे आया तब भी वो सब घर पे आए थे मुझे मिलने तो ये बस ये पार्टी जो थी उसकी खासियत ही ये थी कि इसमें सब पुराने पुराने लोग थे जो एकदम जब मैं कुछ नहीं था तब से मुझे जानने वाले तो सबको चुन चुन के कहीं ना कहीं से बुलाया और फैमिली वालों ने एक बहुत अच्छा मुझे लाइक मतलब ऐसा फील कराया कि मैं कुछ हूँ जो कि फैमिली वाले नहीं करा पाते क्योंकि उनको आधे टाइम तक तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ जब कॉमेडी सीख रहा था तब 1-1.5 साल तक उनको समझ नहीं आ रहा कि कुछ तो कर रहा है ओपन माइक बोलता है बट कुछ पता नहीं है पैसा तो नहीं आ रहा है घर में तो वैसा था तो उनको कभी पता ही नहीं था यूट्यूब पर जब वीडियो डाला तब भी लगा कि इसमें क्या कर रहा है ये क्या होता है ये वो तो धीरे धीरे जब घर के नीचे लोग आने लगे चॉकलेट लेके कोई आ रहा है कोई तो वैसा तो उनको लगने लगा कि हाँ कुछ तो अच्छा कर रहा है तो आज सब लोग यहाँ पे थे मोस्ट ऑफ मतलब 90% लोग यहाँ पे थे और उनके साथ मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया आज मैं गाया आज स्टेज पे मैंने परफॉर्म किया अपना ही रैप सॉन्ग मैंने आज नाचा अपने दोस्तों के साथ तो बहुत अच्छी फीलिंग थी और बहुत खुशी हुई कुछ नहीं वही घर वालों से बातें थी आप तक ये चीज़ें कैसे पहुँची पता नहीं बट बस सारी चीज़ों का काम चालू है पता नहीं कौन से शो में आ सकते हैं या खुद शो बना लें या यूट्यूब पे कुछ आ जाए कंटेंट बहुत सारा काम करना है कौन से डायरेक्शन में करना है वो तो डिपेंड करता है कि क्या चल रहा है तो लेट्स सी मैं काम तो करने के लिए पहले से ही कर रहा हूँ 17 साल से कर रहा हूँ तो अभी क्यों बैठूँगा चुपचाप मैं यही बोलना चाहूँगा अभी के लिए कि मैं अनाउंस कुछ भी नहीं करता हूँ अगर नहीं भी जा रहा तो मैं क्यों बताऊँ और जा भी रहा हूँ तो मैं अभी क्यों बताऊँ एक सही वक्त होगा हर चीज़ों का बताने का तो मुझे लगता है कि फ्रेंड्स और फैमिली आप सभी है तो सभी की तरफ से बहुत सारे किस्से नुस्खे मिले होंगे कि मुनव्वर प्लीज़ ये शो में जाओ हम आपको देखना चाहते हैं एक बार और फिर से जीतते हुए फैमिली वाले तो यही बोल रहे कि जो कर रहा है करते जा दे आर वेरी प्राउड और फ्रेंड्स भी साथ में बहुत प्राउड है तो आई डोंट थिंक कि कभी भी कोई काम से उनको इशू होगा कि वो तो मतलब ऐसे मुझे नहीं बोलेंगे कि तू ये कर वो लोग बोलेंगे तुझे जो करना है कर बस जो कर रहा है करते रहे तो अच्छा कर रहा है हमने बहुत से बार देखा है कि अगर कोई भी शो जीतते हैं तो बहुत कुछ ऑफर होता है लाइक मूवीज एंड म्यूजिक वीडियो एंड मेनी मोर तो हाँ. कुछ ऑफर आया है ऑफर तो बहुत आया मेरे को तो अभी सुबह मैंने एक मेल पढ़ा एक अंडरवेयर ब्रांड भी आया मेरे पास तो ऑफर तो हर तरीके के आ रहे हैं बहुत सारे आ रहे हैं तो मूवी से लेकर अंडरवेयर तक सब बेचने का आ रहा है ऑफर तो बट वही है कि काम मैं ऐसे ही नहीं करता हूँ और जस्ट बिकॉज ऑफर है मैं वो काम कर लूँ मैं उस वजह से नहीं करता हूँ मैं कंटेंट मैं हमेशा एक एज अ राइटर एज अ कॉमेडियन मैं हमेशा कंटेंट में बिलीव करता हूँ तो जितना क्वालिटी और टाइट मटीरियल होता है मैं उस तरह की चीज़ों में काम करूँगा तो कोई भी चीज़ अगर ऐसी आई कि जो वीक है और जस्ट बिकॉज वो बड़ी चीज़ है तो मैं कर लूँ नहीं मेरा ऐसा नहीं होगा स्ट्रॉन्ग कंटेंट होगा क्वालिटी कंटेंट होगा तो ही मैं कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करूँगा ऐसा मैं चाहता हूँ तब का पता नहीं जब आया तब बट अभी तो मैं नहीं जाना चाहता मेरे को तो बाहर बाइक पे घूमने हैं बाइक पे घूमने के अलावा ऐसा भी हमारा कोई ना कोई होता है कि अभी लॉकअप तो जीत लिया है तो सोचा होगा पहले कभी कि मुझे ये शो में जाना और मुझे जीतना है ऐसा कोई शो है वो ख्वाहिशें तो ख़त्म नहीं होती आपको तो हर चीज़ जाके जीतना है ऑस्कर भी जीतने का मन सबको ही करता है बट बात यही है कि वो टाइम पे जो अपने आप ही आ जाएगा जैसे लॉकअप आया मैं लॉकअप किया तो
तो वही क्वालिटी कंटेंट और टाइट मटेरियल जो मैं बोलता हूँ वो इसलिए करना चाहता हूँ कि जो चीज़ में घुसो ना वो चीज़ फाड़ के बाहर निकलो, तोड़ के ही बाहर निकलने का, ऐसे वो नहीं निकलने का। तो उस वजह से मुझे लगता है कि जहाँ भी जाओ भले जीतो नहीं बट विनर को लोग भूल जाने चाहिए, बट आपको याद रखने चाहिए। आज आज अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ, नसीब में था, अल्लाह ने बहुत अल्लाह की रहमत बोले जावे और सबकी दुआएं और मेहनत कि मैं लॉकअप जीता। अगर लॉकअप नहीं भी जीता होता, वो तो पॉसिबल ही नहीं था, बट अगर खुदा ना खास्ता मान लो कि लॉकअप नहीं जीता होता तो भी याद किसको कौन रहने वाला था, बाहर आने का अपन ही याद रहने वाला था, अपने कोई भूलने वाला नहीं था। तो बस अपना वही काम है और अभी मेरे को जाना होगा क्योंकि अभी हमें लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। बहुत सारे फ्रेंड्स मिले होंगे तो कोई एक साथ ट्रिप एंड ऑल कुछ सोचा है क्या लॉकअप के बाद? जितने भी लॉकअप के आपके फ्रेंड्स थे तो सबके साथ कोई ट्रिप एंड ऑल कुछ सोचा है? अभी तो ट्रिप ट्रिप नहीं सोचा है क्योंकि अभी तो काम ही चल रहा है। हम लोग अंदर तो बहुत बातें कर रहे थे कि ये करेंगे वो करेंगे, बट ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं सोचा। कोई अगर मैंने जैसे अभी बोला जिस तरह का प्रोजेक्ट हो अगर कोई आ जाए तो क्यों नहीं देख सकते, आप जरूर देख सकते हो। थैंक यू सो मच। ऑल द मैसेज टू ऑल द फैन, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार और बस ऐसे ही प्यार करते रहना। मिलूंगा डेफिनेटली, सी यू सी यू।